तो क्या कहते तुम? क्या कर रही है जो बच्चे करते नहीं काम अपने मन पसंद बात मेरा, एक तो रात को सोएंगे लेट, अच्छा ठीक है ना, रात को इनको 12 बजे से पहले नींद नहीं आनी, अच्छा। और फिर सुबह को ऐसे उठेंगे जैसे मतलब जच्चा वीर बन उठा दियो। अब देखो इनकी शक्ल देखो सभी कैसी हो रही है, मेरी तो बढ़िया हो रही है क्योंकि मैं तो उठ के सो के उठ गया, पानी पानी बोतल है, क्या कर गया है, मतलब मैं सो के उठ के आया हूँ। अच्छा अच्छा, और ये लक्की वाकई कैसा हो रहा? चूंदा इसको सूरज की जो धूप है वो बर्दाश्त नहीं है। अच्छा, तो आंखों में सीधी पड़ती है वो। अच्छा, हाँ जी, फिर क्या करना चाहिए? या तो चश्मा या फिर नींद, दोनों में से कोई एक चीज ले लेनी चाहिए। दोनों में से एक चीज ले ली, तो क्या देना चाहोगे आप इन्हें? इन्हें तो फिलहाल तो चश्मा ही दे दो क्योंकि प्रोग्राम में नींद तो अच्छी नहीं है। अच्छा। और बेटा कलाकार तो ऐसा अच्छा लगे जो एकदम एक्टिवेट हो, और तुम इतने सुस्त हो जाते हो, क्या करोगे जीवन में तुम्हें? सुस्त तो कहीं भी कामयाब नहीं है, कलाकारी क्या नहीं, या तो तुम्हारे भाग में मतलब वो चीज नहीं है जो मैं देना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, बकवास कर रहा है। क्या देना चाह रहे हो आप इन्हें? एक लड़का था गुरुकुल में पढ़ता था। अच्छा, सुनियो। हाँ जी, मास्टर जी से रोज पिटा करते थे रोज। अच्छा, हंस रहा मेरी बात पे? ये तो बात उस पर हंस रहा हूँ, आप हमारे करते हो ना बोलते। एक दिन मास्टर जी उसको डंडा मारने लगे, तो मास्टर जी ने हाथ देखा, आवाज बढ़ाओ, देख ठीक है, तो मास्टर जी डंडा मारने लगे, उसका हाथ देखा, बोला भाई चेले आज के बाद मैं तेरा डंडा नहीं मारूंगा ना तुझे पढ़ने की। अच्छा जी, क्यों? बोलो क्यों? बोला तेरे हाथ में तो रेखा ही नहीं है विद्या की। अच्छा, लड़का बड़ा मायूस में, लड़का बोला गुरुजी विद्या की रेखा कहाँ होती है? बोले यहाँ होती है, वो चक्कू लाया, चक्कू से रेखा बना दी। अच्छा, बोले गुरुजी अब मुझे पिटो भी और क्या नाम लगे मुझे सिखाओ भी, मुझे पढ़ना है। आगे चल के वो बच्चा बना आर्यभट्ट, दे सुन नहीं रही है, नीच आदमी को सुन नहीं रहा, दोबारा सुना रहे हो, सुन ली वही तो गुरुजी, वो आर्यभट्ट बने, आर्यभट्ट जी ने सुनने सुनने का कारण नहीं था। और हमें ये बताओ रेखा होती है? रेखा कहाँ होती है बताओ, मारे बिना तो सुन लिया हमने, बताओ रेखा कहाँ हो, रेखा कहाँ हमारे बिना हो, बिना बात हो रही परेशान कर, चक्कू तो बना कर आती हो तो कृपया वो बताइए। अरे बदतमीजो, मैं बात नहीं कर रहा तुमसे, तुम्हारी यही फंडे रह रहे हो, बस तुम्हें मस्तरा मस्ते बाग लगो, बस तुमने सुन रखी है नई चीज, बताओ ना रेखा कहाँ हो, बताओ रेखा, बताओ सुनीता बता रेखा कहाँ हो। चलो वैसे कहानी मूवी जो है ये ज्ञान वर्धक थी, इसका मतलब ये है कि इंसान अगर चाहे तो अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। अरे यार लक्की को समझा रहा हूँ, किस्मत यो क्या लिखेगा, किस्मत ये भी कुछ ना कुछ तो लिखा है, रागनी तो बहुत अच्छी लिखता है। रागनी लिखता है अच्छी, महाभारत की लिख रखी इसने, गाई ना लेकिन एकदम ही गाएगा दौड़ वाली मांगे राम के तरह प्यारा बेटा बांध गए प्यार कर रहा हूँ मैं। तो आज का हमारा प्रोग्राम कहाँ पे? जाट भगोला मुंडावर तहसील राजस्थान। ओके, तो आज आशीष फिर आया काफी दिन के बाद। ये तेरी आशीष अंगूठी बड़ी अच्छी लग रही है भाई, कहाँ से लाया मार के तू? मैंने म्यांमार से लाया था, म्यांमार से। कहाँ से लाया था? म्यांमार। म्यांमार, म्यांमार एक देश है, एक देश है, वहाँ पे अंगूठियाँ बहुत अच्छी मिलती हैं। अच्छा अच्छा, और ये हाथ का ब्रेसलेट ये लाया था भाई, आज शाम को उतार लेगा जिसका है, म्यांमार वाला आएगा शाम को, तो इसका है ना, उसे क्रेडिट भी नहीं दे रहा जिसने पहनाया ना। म्यांमार किसने बनाया? थोड़ी कहा कि मैं लाया हूँ, लाया आपको, लेकिन ठीक है म्यांमार तो लाए ना, शाम को आएगा म्यांमार वाला, तेरे सारी ज्वेलरी उतार ले जाएगा आज, खत्म है। म्यांमार तो लाया तू? तो अभी हम रास्ते में प्रोग्राम में जा रहे हैं दोस्तों, और ये हमारे गुरु चेलों की बात हो रही थी, आप देख रहे थे, तो ऐसी ही बातें चलती रहती हैं, गुरु अपने शिष्य को कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं नई नई चीजें, और ज्यादातर गाड़ी में जब जब प्रोग्राम में जाते हैं जब ज्यादा सिखाई जाती है बातें। देखो गर्मी हो गई बहुत ज्यादा, मैं आपको दिखाऊं एक सेकंड, गर्मी इतनी ज्यादा हो गई है आप देख सकते हैं 41 डिग्री सेल्सियस, और टाइम हुआ है सुबह के 11 बजे, सुबह के 11, और दिन भर रहेगा 45 डिग्री। मैं तो कहता हूँ भैया बस अब दिन के प्रोग्राम 21 तारीख का हो रहा है हमारे परसों का, वो करने के बाद में दिन के प्रोग्राम बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि पूरा दिन शरीर इतना टूट जाता है सभी कलाकारों का, क्योंकि कलाकार मेहनत करते हैं, बहुत ताकत लगाते हैं, पसीना निकालते हैं। और भैया मैं तो ये कहूँगा जो श्रोता है आप लोग भी अपना घर में रहो, यूट्यूब पे देखो, क्योंकि
गर्मी गर्मी बहुत टफ हो जाएगा और हम नहीं चाहते कि हमारा कोई श्रोता बीमार पड़े। चलिए प्रोग्राम में पहुंच करके मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय 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 फ्रेंड्स, ये बाय बाय आवाज तेरी है लेकिन हाथ उसका है। टाटा, हमने काम बांट रखा। अच्छा, पानी भर के मैं जरूर।